वो तो फिर अभी भी जो अपना अपने बॉक्सेस हैं वो गायब हो सकते हैं, तो वो तो फिर अभी भी जो अपना अपने बॉक्सेस हैं वो गायब हो सकते हैं, ये तो कोई कंसर्न ना हो। देखिए जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के वैज्ञानिकों और इंजीनियर ने दुनिया का बहुत बड़ा आविष्कार किया है जिसे आगे पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए फवाद चौधरी ने अपने साइंटिस्टों और इंजीनियरों की बधाई दी है। यह फवाद चौधरी पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री हुआ करते थे और इंडिया का मजाक उड़ाया करते थे। फवाद चौधरी ने तो हबल टेलीस्कोप को स्पेस में पहुंचा दिया था और ये टेलीस्कोप उनके बकौल दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी जिसे पाकिस्तान की सुपरको ने बनाया था। चलिए देखते हैं अब इन्होंने ऐसा क्या तीर मार दिया है जो अभी तक पहली बार पाकिस्तान में ही हुआ है। आप कराची का इलेक्शन देख लें, सब में ये शिकायत रही कि पोलिंग हो गई और उसके बाद नतीजे नहीं आते। अब उसका सलूशन जो बनाया है वो हमारे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बड़े ज़बरदस्त जो साइंटिस्ट हैं और लोग हैं, और हमने उस वक़्त ये जो इनिशिएटिव जो शुरू किया था वो आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ था। उस वक़्त इलेक्शन कमीशन ने अपनी तकरीबन 36 के करीब कंडीशनैलिटीज़ दी कि जो मशीन आप बनाएँ उसको इन इन 36 शराइत पे पूरा उतरना चाहिए। ये जो हमारे बच्चे हैं जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्होंने उन सारी शराइत को मुकम्मल किया और अब ये एक प्रोटोटाइप जो है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले है। ये एक प्रोटोटाइप है, इसको अभी आप खूबसूरत ज़्यादा हो सकती है ये चीज़, और बेहतर हो सकती है, इसकी टच स्क्रीन आप लगा सकते हैं और चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक मॉडल जो है वो ये रहेगा। ये कैसे काम करती है, क्या होता है, वो आपको कुछ देर में जो है ख़ुद बता देंगे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें हिदायत की और उसके नतीजे में बड़ी लंबी एक एक्सरसाइज के बाद आज हम एक इलाज कौम के सामने लेके आए हैं, रख रहे हैं। मैं कॉमसेट्स, दूसरे इदारों और सारी मिनिस्ट्रीज जो इसमें असिस्ट कर रही हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ अगली बात कि ये एक मॉडल ऐसा है जिस मॉडल के ज़रिए से हमारे पड़ोस में हमसे 5 गुना ज़्यादा आबादी वाले मुल्क ने अपने इलेक्शन को काबिले कबूल बना लिया है। हमारे यहाँ जो ही इलेक्शन होता है उसके बाद एहतजाज होता है और एतराज़ होता है और आखिर दम तक जो हारने वाले हैं वो कहते रहते हैं हम तो नहीं हारे थे। ये जो मशीन थी इसको एक, जब उस वक्त मैं कर रहा था तो एक मेरा प्राइमरी नुक्ता यही था कि आप इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। सो ये मशीन बिल्कुल इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, 100% ये स्टैंड अलोन मशीन है, और इसीलिए इसमें और भी धांधली का इसलिए भी ख़तरा नहीं है कि ये मशीनें आपस में नहीं जुड़ी हुई। सो हर मशीन अलग, तो वो तो फिर अभी भी जो अपना अपने बॉक्सेस हैं वो गायब हो सकते हैं।